मध्य प्रदेश में खुलेआम अवैध रेत उत्खनन, पूर्व सीएम उमा भारती ने खोला मोर्चा, अपनी ही सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। देश में 5 चुनावी राज्यों को लेकर एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। इस बार पोल में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को भारी बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है। बीजेपी भी इसको लेकर काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने अपनी ही सरकार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उमा भारती ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश में रेत खनन का मामला उठाकर विपक्षी कांग्रेस को बड़ा मौका दिया है। दरअसल बीते गुरुवार को एग्जिट पोल को लेकर उमा भारती ने मीडिया से बात की। इस दौरान उमा भारती अवैध रेत उत्खनन को लेकर नाराज नजर आईं। उमा भारती ने क्या कहा? उमा भारती ने रेत उत्खनन के मुद्दे को लेकर कहा, अब इस बार मैं अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा उठाऊंगी तो शायद इसके खिलाफ भी कोई कड़ा एक्शन हो। प्रसन्न सिंह की हत्या शासन प्रशासन पर एक बड़ा सवाल पैदा करती है। अगर शासन प्रशासन अक्षम हो गया है तो अब मैं खुद मैदान में उतर जाऊंगी, लेकिन अवैध रेत उत्खनन और रेत माफियाओं को पैर पसारने नहीं दूंगी। भारती ने कहा कि अब वह अवैध रेत उत्खनन को लेकर खुद लठ लेकर मैदान में उतरेंगी और इसके खिलाफ अभियान चलाएंगी। सीएम शिवराज अकेले नहीं रोक सकते उत्खनन। उमा भारती का मानना है कि सीएम शिवराज इस रेत उत्खनन को अकेले नहीं रोक सकते। इसके लिए सीएम शिवराज को कई लोगों से बुराइयां लेनी होंगी, क्योंकि मंत्री विधायक और नेता आदि इसको रोकने के खिलाफ ही होते हैं। इसलिए अगर सीएम को इसे रोकना है तो उन्हें इन लोगों से मुकाबला करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से इनकी नाराजगी होना लाजमी है। उमा भारती की माने तो मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से रेत उत्खनन हो रहा है। उमा भारती का छल का दर्द। मीडिया से बातचीत के दौरान उमा भारती का अपने सीएम कार्यकाल को लेकर भी दर्द छलका। भारती ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम बनने से पहले ही मुझे निकाले जाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि उस समय मेरे अलावा कोई और सरकार नहीं बना सकता था, इसलिए मुझे सीएम बनाया गया। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का कहर लगातार जारी है। बीते रविवार को शहडोल जिले में रेत माफियाओं के द्वारा एक पटवारी को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया था, जिससे पटवारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को जिले के कैलारस थाना क्षेत्र में पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। अगर बात चंबल संभाग की करें तो पिछले कुछ साल पहले मुरैना में रेत माफियाओं के वाहनों पर कार्रवाई करने पहुंचे एक आईपीएस को भी रेत माफियाओं ने रौंदकर मार डाला था। इस घटना के बाद से एक के बाद एक रेत माफियाओं से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस के ढीले रवैये की वजह से अभी तक रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।